डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। आपण केबे प्लेन ने बसी छंती कि जदि बसी नाहंती तेबे उड़ान समय रे प्लेन भितरे कोन सब घटे एहा कुने अनेक लोक अनेक अजब कल्पना करथांती किंतु वास्तव रे एहा सत कि मिछ जदि जानिबा को चाहुचंती तेबे आमर ए वीडियो टी को निश्चित देखंतु। एरोप्लेन बा उड़ा जहाज एथिरे बसी कि मछी आकाश रे उड़ीबा कहार बा इच्छा न थाए समस्तंकर इच्छा केबे आकाश रे विमान रे उड़ीबे आ यार भरपूर मजा उठाइबे तेबे अनेक लोक मध्य निज इच्छा को पूर्ण करबा पई केबे ना केबे प्लेन रे बसी थांती आ यार भरपूर फायदा मध्य उठाई थांती आ काहा काहा स्वप्न मध्य आज पर्यंत अधूरा रही जाइथिबो आउ जण जणे प्लेन को नहीं अजब अजब कथा मध्य भाभी थांती कि प्लेन ने केमिते बसंती आउ कौन खांती सेठरे लोक माने मछी आकाश रे उड़ीबा समय रे कौन सब घटे समस्त को डर लगे ना लगेनी एमिती अनेक प्रश्न लोकंक मन रे आसी थाए आउ केही केही मध्य भाबुथिबे प्लेन उड़ीबा समय रे जदी जणे यात्री तल को खसी पड़ंती तेबे कौन हबो तेबे बेले बेले मनुष्य मन रे मध्य एही भली अजब कथा आसी थाए तेबे आमे आज आपणकु उड़ा जहाजर किछि भितरी कथा कहिबु जहाँ जानिबा द्वारा एथिरे बसिक उड़ीबाकु आपण मन बळाइबे एहा विषय रे जानिले आपण खुशी हेबे चमकीबे और डरिबाकु मध्य बाध्य होइजिबे। कोन आपण केबे चिंता करिछंती प्लेन ने मिलुथिबा पानी आपणक शरीर पई केते हितकर जदि मझी आकाश रे देइबाकु पड़े आपणक अवस्था कोन हेबो तेबे 1903 मसीहा जेबे अमेरिकार इंजीनियर आर्बेल ए बारबेल एयरप्लेन आविष्कार करथिले सेतेबेले सेमाने आदु चिंता करिनथिले कि जदि केबे काहाकु मझी आकाश रे उड़ा जहाज रु ओलेबाकु कहजे तेबे से कोन करिबो कोनोसी यांत्रिक त्रुटि पई निज जीवन को बंचेबा उड़ंत जहाज रु डेइबाकु जदि केबे पड़ि जाए तेबे कोन हेबो तेबे आकाश रे प्लेन टी उड़ुथुबा समय रे जदि जणे मनुष्य तळकु डेइ पड़े तेबे सेतेबेले कोन हेबो तेबे गोटे मनुष्य बंचिबो ना निज जीवन को हारी दबो तेबे अनेक समय रे आपण जानिथिबे जो माने नदी की पोखरी बा समुद्र को हजार हजार फुट उपर डेई थांती से माने पारासूट पिंधि थांती कारण एहा द्वारा तांको जीवन बंची जाइथाय किंतु जदि जणे बिना पारासूट रे दिए तेबे कोन हेबो किंतु आपण जानिछंती एभळी आपत्तिकालीन स्थिति रे जणे एयर होस्टेस 10,160 मीटर उच्चतारु एक ट्रली और जनक मृत शरीर धरी तलकु डे पड़ते आ समुद्र रे पड़ी जाते यापर तांको जीवन बंची जाइथिला मध्य तेबे एते उच्चतारु डे निज जीवन बंचाइथिबारु तांको ना गिनीज बुक वर्ल्ड रेकर्ड रे सामिल होइथिला तेबे जेउ रेकर्ड आज जाए केही भी भांगी नाहंती एठारे एक रोचक कथा कहिबाकु चाहुचु कि जदि मझी आकाश रे कोनोसी कुंबेर किंबा पासेंजर मृत्यु हो जाती तेबे तांको मृत शरीर को कोनोसी अलग स्थान रे रखिबार सुविधा ही नहीं तेबे मृत शरीर को गोटे खाली सीट रे बसाय दिया जाए आउ घोड़ाई मध्ये दिया जाए तेबे टिके अजब लागू थाई पारे किंतु एठारे नियम ही ए भली रहिची जदि आपण को लागुची पायलट प्लेन उड़ेबा समय रे सुअंती नहीं तो तेबे एहा आपणकर भूल चिंताधारा 800 पायलट को नै किछि सर्वे करा जायथिला सेथरु जणा पड़थिला कि सेथरु 43% पायलट कहिछंती प्लेन उड़ाण भरिबा परे मझिरे मझिरे आखि लागि जाए तेबे केवल सेतिक नुहे पायलट सोइबा समय रे को पायलट मध्य सोइ पड़ंती बाकी जहा घटिबो बा आगो को घटिबो ता आपण चिंता करि परथिबे तेबे प्लेन एक ब्लैक मोक लागिछि एहा आपण देखि नथिले मध्य निश्चिंत सुनिथिबे एहा हेउछि फ्लाइट डाटा रेकॉर्डर तेबे जदि हठात फ्लाइट टी दुर्घटनाग्रस्त हुए तेबे एथरु कारण स्पष्ट जना पड़िथाए तेबे केउ कारण को केन्द्र करी विमान टी दुर्घटनाग्रस्त होइछि आपण भाबुथिबे एही ब्लैक मक ब्लैक होइथिबो किंतु एहा ऑरेंज कलर रो तेबे एहा ऑरेंज कलर होइथिबार कारण हेउछि दुर्घटना परे एहाकु खोजिबा सहज होइथाए तेबे जदि एथिरे दुर्घटना समय रे नियापि लागि जाए तेबे एहार कलर रे कोनोसी परिवर्तन आसि नथाए तेबे आउ एक इंटरेस्टिंग कथा हेउछि कि एरोप्लेन ने मिलुथिबा पीबा पानि रे बहु मात्रा रे बैक्टीरिया रहिछि आउ आपण प्लेन ने जेते लंबा यात्रा करिवे आपणक पानी बोतल रे सेते अधिक बैक्टीरिया रहिबो तेबे आपण जदि बहु समय धरी उड़ा जहाज रे यात्रा करछंती तेबे आपण आपणक पानी बोतल निश्चय देखि नियंतु तेबे एबे प्लेन गुडीक गोटे इंजिन ने 4-5 घंटा उड़ाण करुछि बोइंग 3787 परी जहाज पाखरे इंजिन रहिछि जहाँ गोटे इंजिन ने संपूर्ण उड़ी पारिबो तेबे आपण जानिछंती कि दुनियार सबुठू बड़ यात्रीबाही विमान विषय रे तेबे सबुठारु बड़ यात्रीबाही विमान हेउछि एयरबस
A380 ଏହା ଡବଲ ଟେକର ଜାହାଜ ଅଟେ। ଏହା ଘଣ୍ଟାକୁ 1020 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉଡ଼ିପାରେ। ତେବେ 2005 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଉଡ଼ା ଜାହାଜଟି ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା କେବେ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି? ତେବେ 1077 ମସିହାରେ ଉଡ଼ା ଜାହାଜ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ଫଳରେ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏଥିରେ 500 ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଭରୁଥିବା ପାଇଲଟଙ୍କ ଦରମା କେତେ? ତେବେ ପାଇଲଟଙ୍କ ପ୍ରତି ମାସରେ ନୁହେଁ, ବରଂ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ଉଡ଼ାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଟଏଲେଟ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ତାହା ସିଧା ତଳେ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ତେବେ ପ୍ଲେନ୍ ଭିତରେ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ଟଏଲେଟ୍ ଏକାଠି ହୁଏ ଏବଂ ପୁଣି ଏହା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହାକୁ ସଫା କରିଦିଆଯାଏ। ତେବେ ଆଉ କେହି କେହି ଭାବୁଥିବେ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଚକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବଦଳା ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନା, ଏହି ଚକାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଥାଏ। ତେବେ ପ୍ଲେନ୍ ବିଷୟରେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ କି କେବେ ଆପଣ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବସିବେ ଓ ମଝି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବେ, ଆଉ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ଡରିଯିବେଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।